हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इससे पहले हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ नाउन, जिसमें हमने पढ़ा था देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट कॉमन नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। सेकंड हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिसमें हमने पढ़ा था अ नाउन, अ कॉमन नाउन इज द जेनेरिक नेम फॉर पर्सन प्लेस और थिंग इन अ क्लास और ग्रुप, जिसे हम हिंदी में पढ़े थे कि वे संज्ञा जो पूरे संपूर्ण जाति का बोध कराए वे हमारा होता है कॉमन नाउन। सेकेंड हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग, जिसे हमने हिंदी में बताया था वे संज्ञा जो एक विशेष व्यक्ति स्थान या फिर वस्तु का नाम बताए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन दैट An abstract noun is a noun that cannot be person. An abstract noun is a noun that cannot be a person. A abstract noun is a noun that cannot be person. Sorry, prescribed. A abstract noun is a noun that cannot be perceived A abstract noun is a noun that cannot be perceived using A abstract noun is a noun that cannot be perceived using one of the five senses. First is taste, second is touch, third is hearing, fourth is smelling, fifth and last is sight. A abstract noun is a noun that cannot be perceived using one of the five senses. First is taste, touch, hearing, smelling and sight. For example, anger, freedom, love, sad, etc. An abstract noun is a noun that cannot be perceived using one of the five senses. First is taste, touch, hearing, smelling and sight. For example, anger, freedom, love, sad, etc. अगर हम इसे हिंदी में कहें तो वह संज्ञा जिसे हम छू नहीं सकते, केवल उन्हें अनुभव कर सकते हैं, और इस संज्ञा का भाव हमारे भावों से संबंध होता है, या फिर इनका कोई आकार या रूप नहीं होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि मिठास, धर्म या फिर गुस्सा, फ्रीडम मतलब स्वतंत्र, लव मतलब प्यार, और सैड मतलब दुखी। वह संज्ञा जिसे हम छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, और इस संज्ञा का भाव हमारे भावों से संबंध होता है, या फिर जिनका कोई आकार या रूप नहीं होता, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
An abstract noun is a noun that cannot be perceived using one of the five senses: taste, touch, hearing, smelling, sight. For example, anger, freedom, love, sad, etc. Thank you.